के दिन जो ग्राम प्रधान नहीं बन सकता वो मुख्यमंत्री बन जाए, वो मंत्री बन जाए, इसलिए शहादतें नहीं दी थी। रावण का घमंड नहीं रहा, इस कलयुग में पुष्कर सिंह धामी जी का क्या घमंड रहेगा? अगर बॉबी पवार बाहर आ जाएगा फिर आंदोलन खड़ा होगा, और आंदोलन खड़ा होगा तो पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और ठुलभैये नेताओं को इस बात से उनकी भावनाएं आहत होती हैं कि दीपिका पादुकोण कौन से रंग की बिकनी पहनती है, उनको इस बात से कतई आहत नहीं होता है कि ये बेरोजगार यहाँ सड़कों पर बैठा है, लाठियां खा रहा है, उनके बच्चों के रोजगार के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं, तब उनकी भावनाएं आहत नहीं। तो बड़ा सोची। साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पिथौरागढ़ से चंचल बोरा जी। चंचल बोरा जी आज यहाँ पर आए हुए हैं शहीद स्मारक पर। बोरा जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस उत्तराखंड के लिए हमारे शहीदों ने अपना रक्त बहाया था कि वो उत्तराखंड में युवाओं का जो है वो सुनहरा भविष्य होगा, युवाओं की मेन जो मांग थी, जो एक आंदोलन की शुरुआत हुई तो वो कहीं ना कहीं जो छात्र जो थे उनके भविष्य को लेकर हुई थी, लेकिन आज उत्तराखंड की ये स्थिति हो गई कि छात्र जो है वो सड़कों पर बैठा है, लाठी डंडे खा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, मैं मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र पिथौरागढ़ जनपद से आज कल सुबह का निकला, सुबह पहुंचा हूं 4 बजे। हम लोगों की एक पहली मांग तो अब ये है कि बॉबी पवार और हमारे साथियों को रिहा किया जाए, और दूसरी मांग ये है कि जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं जो धांधली के भेड़ चढ़े उनमें CBI जांच हो और सफेदपोश नेता बाहर निकलें। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार भी है और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को मनवाना जानते हैं, क्योंकि हमने गांधी को पढ़ा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से अभी आज भी रिहाई नहीं हुई भाई बॉबी पवार और उनके साथियों की, एक बड़ा शोचनीय विषय है। शोचनीय विषय इसलिए है कि जो लोग पेपर घोटाले करते हैं वो जब चाहें बेल ले लेते हैं, जमानत ले लेते हैं। आज ही मैं देख रहा था, यहाँ उत्तरकाशी के कुछ भाई लोग आए, वो कह रहे हैं कि हाकम सिंह वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में, वहाँ उनके पोस्टर लगे हुए हैं। उत्तरकाशी में कोई त्यौहार होने वाला है, वहाँ पर उसको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। तो एक बड़ा शोचनीय विषय है। मतलब पहले ज़माने में चोर होते तो छुप छुप के जाते थे, आज के चोर जो हैं वो छीना तान के कहते हैं कि हमने चोरी की है, जो करना है कर लो। तो ये बेरोजगारों के साथ एक भद्दा मजाक है। CM धामी जी अपनी पीठ पर थपथपा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं नकल विरोधी कानून ले आया हूँ। वाकई में आप नकल विरोधी कानून आए हैं, लेकिन कैसा नकल विरोधी कानून? आपने देखा उत्तरकाशी में, गोपेश्वर में, तमाम जगहों पर जिन लोगों ने कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है उन्होंने अपनी बात रखी थी, और उन पर नकल विरोधी कानून के तहत तमाम तरह की धाराएं लगाई हैं। ये नकल विरोधी कानून के लिए क्या हमने इस तरह के नकल विरोधी कानून के लिए हमने लाठियां खाई थी? ये बॉबी भाई इसलिए जेल में गए हैं कि जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन पर ही नकल विरोधी कानून लगा दिया जाए? तो उन कहीं ना कहीं हाकम और हाकिमों को बचाने का, ये सफेदपोश नेताओं को बचाने का पूरा षड्यंत्र। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं सरकार से, इस सरकार को 47 विधायक इन युवाओं ने दिए हैं, और इस सरकार का जो घमंड है, घमंड कहते हैं ना कि रावण का घमंड नहीं रहा, इस कलयुग में पुष्कर सिंह धामी जी का क्या घमंड रहेगा? आज वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे, इसे साफ साफ जाहिर नजर आता है कि वो अपनी क्या बचा रहे हैं, कुर्सी बचा रहे हैं। क्योंकि अगर बॉबी पवार बाहर आ जाएगा फिर आंदोलन खड़ा होगा, और आंदोलन खड़ा होगा तो पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी जाएगी। हमारा सीधा सीधा दे है कि CBI जांच करा दीजिए। क्या गलत मांग रहे? एक इतनी सी छोटी सी मांग पर आपने हम पर लाठियां बरपा दी। चलो ठीक है, आपने लाठियां बरपा दी, अब तो हमें CBI की जांच दे दीजिए। अब कितना लड़ना पड़ेगा इन छात्रों को? परीक्षा कराओ, पहले एग्जाम कराओ, इसके लिए लड़ना पड़ता है। आप पहले विज्ञप्ति निकालो, उसके लिए लड़ना पड़ता है। फिर डेट निकालो, उसके लिए भी लड़ना पड़ता है। फिर जब पेपर हो जाता है और भ्रष्टाचार हो जाता है तो भ्रष्टाचार से CBI की मांग कर रहे हैं, उसके लिए लड़ना पड़ रहा है। तो कितनी बार बेरोजगार लग गया? वो पढ़ेगा किताब के पन्नों को पलटते हुए अपने सुनहरे भविष्य का सपना जो देखेगा कि यहाँ सड़कों पर बैठकर आंदोलन जो करेगा, चलो आंदोलन भी कर लेंगे हम, ऊपर से आपकी तमाम नॉन अवेलेबल जो धाराएं हैं उनको जो सहेंगे हम, क्या क्या सहेंगे? एक बात बताइए, 307 की धारा इन्होंने हटा दी थी, और आज फिर 307 की धारा दोबारा ये लोग ला रहे हैं। तो ये कितना सोचनी विषय, पहले आप हटा रहे हैं फिर ला रहे हैं, पहले आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। मैं इस सरकार से कहना चाहना, अगर धामी जी आप में थोड़ी बहुत शर्म होती, आप बेरोजगार क्या कह रहा था, तो पेपर डिले कह रहा था, CBI जांच, आप आते बेरोजगारों के पास, भाइयों जो गलतियां होगी हैं माफ़ करना, आपका ही भाई हूं, और अब मैं CBI जांच करा रहा हूं, सख्त नकल विरोधी कानून ला रहा हूं, और पटवारी का पेपर 2 महीने डिले कर रहा हूं, हमारे लिए तो आप भगवान हो जाते। हमने थोड़ी ना चुनाव लड़ना है अब। लेकिन दिक्कत ये होगी है कि पुष्कर सिंह धामी ने अपना ईगो ले लिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना ईगो ले लिया है। इस भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और ठुलभैये नेताओं को इस बात से उनकी भावनाएं आहत होती हैं कि दीपिका पादुकोण कौन से रंग की बिकनी पहनती है, उनको इस बात से कतई आहत नहीं होता है कि ये बेरोजगार यहाँ सड़कों पर बैठा है, लाठियां खा रहा है, उनके बच्चों के रोजगार के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं, तब उनकी भावनाएं आहत नहीं। तो बड़ा शोचनीय विषय है ये पूरा, आप देख सकते हैं 2014 के बाद जिस तरह से हो रहा है। हम सोचे चलो शांत, चलो नहीं भैया हमको
रोजगार करना है, रहने दो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। आज मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं पहली बार आया हूँ इस शहीद स्मारक स्थल पर, 19 साल 21 साल में लोगों ने शहादतें दी हैं। इसलिए शहादतें नहीं दी हैं कि कल के दिन जो ग्राम प्रधान नहीं बन सकता वो मुख्यमंत्री बन जाए, वो मंत्री बन जाए, इसलिए शहादतें नहीं दी थी। शहादतें इसलिए दी थी कि छोटा राज्य होगा, जो सपने हैं बेरोजगारों के उनको रोजगार मुहैया होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छा विकास होगा। इन तमाम मुद्दों पर ये सरकारें विफल रही हैं। भ्रष्टाचार इससे पहले भी होते थे, भ्रष्टाचार ऐसा नहीं कि इससे पहले की सरकारों में नहीं हुए, हुए हैं। तब 100 में से 20 लोग भ्रष्टाचार से लगते थे, 80 लोग ईमानदारी से लगते थे, लेकिन आज हो क्या रहा है, आज 80 लोग भ्रष्टाचार से लग रहे हैं और 20 लोग ईमानदारी से लग रहे हैं। तो ये बेरोजगार के साथ एक मजाक है। और बेरोजगार को सपना तुमने दिखाया था, हर साल 2 करोड़ रोजगार का सपना तो तुमने दिखाया था, तो आप वो 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, जितने आ रहे हैं वो भी आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए सीएम सिंह धामी जी, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और जो ये लाठीचार्ज हुआ है, इस लाठीचार्ज की भी सीबीआई जांच हो, आखिर हुआ क्या। हम सीधा सीधा, आप एक फोटो आज जाहिर कर वीडियो वायरल कर रहे हैं कि भैया ये लोग हैं, आप हमारी मदद कीजिए। भैया ये पुलिस का तंत्र, ये LIU कर क्या रहा है, क्या आप उनको पहचान नहीं पा रहे हैं? अच्छा, बॉबी भाई की तो उसमें कहीं फोटो नहीं है, बॉबी भाई के साथ जो उसमें जेल में गए वो पत्थर मारते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, तो आप उनको क्यों जेल में डाल लें? जब आपके साथ सारा है तो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये आपका गुनाह है, ये हमारा गुनाह थोड़ी है। हमने तो रोजगार की मांग की और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब लाठियां पहले चली या पत्थर पहले चला वो सीबीआई जांच का विषय है, आप सीबीआई जांच करवाइए। हम इतना ही कहते हैं सरकार, मंत मैं यही कहना चाहता हूं इस सरकार से कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना 2022 ये लास्ट में नगर पालिका चुनाव है, वहीं हम आपको ट्रेलर दिखा देंगे, तमाम बेरोजगार वहीं आपको ट्रेलर दिखा देगा, इसलिए अभी भी संभल जाओ। इतना ही कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे, जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। धन्यवाद।